हेलो गाइस, मैं श्रेया श्रेया स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे जीके के कुछ प्रश्न। वीडियो अंत तक जरूर देखना और कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर एक, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? आपके ऑप्शन ए 1882 में, बी 1872 में, सी 1881 में, डी 1861 में। आपके उत्तर बी 1872 में। प्रश्न नंबर दो, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? आपके ऑप्शन ए इटली, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी फ्रांस। आपके उत्तर सी जर्मनी। प्रश्न नंबर तीन, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? आपके ऑप्शन ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी एशिया। आपके उत्तर ए अफ्रीका। प्रश्न नंबर चार, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन ए आर सी मजूमदार, बी आर जी भंडारकर, सी रजनी पाम, डी रमेश चंद्र दंत। आपके उत्तर डी रमेश चंद्र दंत। प्रश्न नंबर पाँच, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शन ए मक्का, बी गेहूं, सी ज्वार, डी चावल। आपके उत्तर डी चावल। पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रश्न नंबर छः, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन ए कपूरथला, बी हैदराबाद, सी वाराणसी, डी जमशेदपुर। आपके उत्तर ए कपूरथला। 1986 में स्थापित कपूरथला फैक्ट्री पंजाब राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर सात, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। आपके उत्तर ए उत्तराखंड। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर आठ, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए खगोलीय पिंड, बी उल्का पिंड, सी तारामंडल, डी एस्ट्राइड्स। आपके उत्तर ए खगोलीय पिंड। प्रश्न नंबर नौ, दिन में दो बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए लहर, बी सुनामी, सी ज्वार, डी धारा। आपके उत्तर सी ज्वार। प्रश्न नंबर दस, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? आपके ऑप्शन ए म्यांमार से, बी वियतनाम से, सी बांग्लादेश से, डी इनमें से कोई नहीं। आपके उत्तर ए म्यांमार से। प्रश्न नंबर 11, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? आपके ऑप्शन ए सूरत में, बी कोचीन में, सी पुणे में, डी कानपुर में।
आपके उत्तर बी कोचीन में। यह केरल का शहर है जिसे कोच्चि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? आपके ऑप्शन ए बंकिम चटर्जी, बी लॉर्ड इरविन, सी एडविन लुटियंस, डी इनमें से कोई नहीं। आपके उत्तर सी एडविन लुटियंस। प्रश्न नंबर 13, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। आपके उत्तर सी मध्य प्रदेश। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश की आदिवासी जनजाति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन ए वर्धमान जिला, बी परगना जिला, सी हुगली जिला, डी सुल्तानपुर जिला। आपके उत्तर ए वर्धमान जिला। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में हुआ था। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? आपके ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। आपके उत्तर बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में हुई थी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।